गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो आज हम ड्राइंग में थंबल फिंगर प्रिंट लेके चित्र बनाने का मैं सिखाने वाली हूँ। नंबर है 11, आज की डेट, और सब्जेक्ट है प्रिंट मेकिंग। हमारा जो थंब रहता है उनमें से कैसा पिक्चर हम लोग कर सकते हैं ये मैं आज सिखाने वाली हूँ। बॉर्डर करके ली है और ये लाइट ब्लू और लाइट ग्रीन का मैंने पैच पेपर पे देके रखा है। अभी क्या करने का है, ये जो कलर है, तीन कलर मैंने ली है, तो ये हमारा थंब है, इससे हम पिक्चर करेंगे। कैसे करती हूँ मैं देखो, थंब में ऐसा कलर लेंगे बराबर, और ये प्रिंट करेंगे। देखो बराबर, ये ऐसा थंब में कलर लेने का, और ये ऐसा पेपर पे रखने का। तो ये कलर बराबर लगाने का, कलर पतला कलर पैलेट में करके रख देने का, और बाद में थंब में लगाने का, और देखो ये हमने ऐसा कलर दे दिया है। बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये जो ग्रास रहता है ये ग्रास की आउटलाइन हम लोग कर लेंगे। ग्रीन में मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर डाला है, तो ये ग्रास का कलर हो गया अपना बराबर। अभी ये हो जाने का, होने के बाद ब्लैक कलर लेने का, कलर बराबर पतला करने का, एकदम जीरो पतला ब्रश लेने का, पतला कलर लेने का। और देखो अभी मैं क्या करती हूँ, कलर सूखना चाहिए, हाँ पूरा कलर सूखना चाहिए। ये फिश का आईज और ये देखो, ये हमने फिश कर दिया, ये आंख, ये एकदम इजी है। ये देखो ये उसके पंख, ये स्ट्रोक बराबर आना चाहिए। कैसे मैं करती हूँ, इधर जरा ध्यान दो, देखो बराबर सिंपल है, सिंपल। ये आंख, ये देखो ऐसे हमने फिश करके लिए हैं।
पहले से ही ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का मैंने ये पैच करके रखा है, आपको भी पैच करके बाद में ये पिक्चर निकालने का है तो अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा। देखो बराबर, ये देखो कलर सूखना चाहिए, गीला है कलर तो नहीं होगा, कलर सूखना होगा तो अच्छा होगा अपना पिक्चर, नहीं तो मिक्स हो जाएगा ब्लैक कलर सब में। ये देखो पतले स्ट्रोक, ये देखो अभी ये होने के बाद थोड़ा सा हाईलाइट हम करेंगे थोड़ी सी, ये बराबर। तो ये आप लोग थम से प्रिंट लेके हम लोग कर सकते हैं और एक अच्छी तरह से सीनरी हमारी हो जाती है। देखो ऐसे वाटर में फिश तैर रहे हैं, ये ऐसा मैंने दिखाया है बराबर। चल ओके, अपना ये चित्र पूरा सूख गया है, अभी वाटर का पानी का इफेक्ट कैसे आना चाहिए तो हम कलर पेंसिल से ऐसा थोड़ा सा शेडिंग करेंगे और जिधर डार्क टोन रहता है ये पानी रहता है उधर हम लोग ऐसे मिक्स करेंगे तो ये वाटर का इफेक्ट पिक्चर में आ जाएगा। देखो बराबर, ये सब में ऐसा थोड़ा का पानी का इफेक्ट आना चाहिए, कलर पेंसिल से मैं ये कर रही हूँ बराबर। तो देखो ये कैसा पानी का इफेक्ट आ गया है, पानी में मछली तैर रही है, हमारे थंब से किया हुआ ये पिक्चर है। नीचे थोड़ा सा हम लाइट ब्राउन करेंगे तो वो नीचे पानी के नीचे जो रहता है उसका भी इफेक्ट आ रहा है बराबर। देखो कितना सिंपल और इजी बराबर, अपने थंब से प्रिंट लेके ये हमने पिक्चर बनाया है। आप भी बनाओ और अच्छी तरह से अपने तबीयत का ध्यान रखो। ओके, गुड बाय।